कैसे हो आप लोग, आई होप सब बड़े होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल नीतू नेगी ब्लॉग में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं। अभी पंच पूजा हो रही है और आज पांडव नृत्य का पांचवा दिन है। तो पांचवा दिन मतलब आज डाली लाते हैं, आज वैसा नृत्य नहीं होगा यहाँ पे। तो आज डाली लाते हैं, डाली मतलब पैया का पेड़ होता है, तो उससे एक बड़ी टहनी काट के लाते हैं। तो अभी तो सब लोग यहीं पे हैं, अभी तो पंच पूजा हो रही, उसके बाद सारे पांडव चले जाएंगे खेत में। तो जो ये डाली होती है, तो जब सारे पांडव खेतों में जाते हैं तो भीम के द्वारा वो डाली चुनी जाती है कि इस वाले पेड़ से टहनी काटनी है, और भीम के द्वारा ही वो काटी जाती है। फिर वहाँ पे पूजा होती है और पूजा करने के बाद उसको पांडव चौक पे लाते हैं और बीच में एक जगह पे लगा देते हैं, और उसके बाद उसकी पूजा होती है। तो दोस्तों अभी मैं और चाची बना रहे हैं पांडव देवताओं के लिए पूरी। तो जहाँ पे डाली लेने जाएंगे तो वहाँ पे पूजा करने के बाद ये प्रसाद खाएंगे पांडव। दोस्तों काफ़ी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि जो ये अपने ऊपर पानी की गागर डाल रहे हैं तो ये कौन है। तो ये भूतनाथ हैं और हमारे यहाँ इनको स्वामीनाथ बोलते हैं और भूत्योर भी बोलते हैं गांव में। तो जैसे कुछ भी कार्य होता है तो सबसे पहले स्वामीनाथ आते हैं, और स्वामीनाथ का आना बहुत शुभ होता है कार्य से पहले। तो जब ये स्वामीनाथ आते हैं तो उसके बाद पानी की गागर डालते हैं, अपना स्नान करते हैं और बस उसके बाद शांत हो जाते हैं। तो दोस्तों आज गुल्लू भी आई है देवता देखने। गुल्लू तो आज गुल्लू भी आ गई पहली बार अपने घर पे। इनका मतलब मेरता है लोगों का नया मकान नीचे है रोड के नीचे, और यहाँ पे पुराना घर है। तो आज गुल्लू अपने पुराने घर आई है देवता देखने। गुल्लू हाय कर दे, हाय कर लो। हेलो हेलो हेलो, हाय हाय। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे तो पांडव देवता चले गए डाई लेने, और शायद यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे ये पेड़ दिख रहा है आगे से, तो देखते हैं। तो दोस्तों मैं और मेरी ब्लॉगर मैडम जा रहे हैं वहीं जहाँ डाई काटने गए हैं। तो चलो चलते हैं, हम आपको मिलेंगे वहीं पे। तो दोस्तों हम पहुँच गए। तो दोस्तों ये जो सामने दिख रहा है ये पेड़, तो ये है शायद, और इसी को काटेंगे। तो दोस्तों ये चले गए पेड़ में, और ये पाइया का पेड़ है, और इसमें से एक डाली काटेंगे जो यहाँ से पांडव चौक तक ले जाएंगे। तो
डाली को सजा रहे हैं, डाली पे बलून और चिट जो भी लगाना है तो वो सब सजा रहे हैं डाली को, और ये डाली सजा के ले जाएंगे यहाँ से। तो दोस्तों अभी यहाँ पे थोड़ी देर डाई की पूजा होगी और पूजा के बाद डाई को ऊपर लाएंगे। जाते हैं और ज्यादा भारी है तो जा रहे हैं उधर, यहाँ आगे पे नंदा देवी का मंदिर है हमारे गांव में, तो वहां पे जाके थोड़ा पूजा होगी। तो दोस्तों यहाँ पे है नंदा देवी का मंदिर। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं घर, और पीछे देख सकते हो पीछे पांडव देवता भी आगे आप मिलेंगे आपको घर पे। तो चलो, तो दोस्तों ये पहुंच गए डाई लेके चौक में। तो दोस्तों अब इस डाई को चौक के बीच में लगाना है, तो अभी वो लगा रही हूँ वहाँ पे। अच्छा अल्लाह करो।
आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप बने रहें नित्यू निगम ब्लॉग के साथ। बाय।